उसके अलावा आज क्या इसको कारी में क्या खिलाएंगे? हलीम प्रोटीन और यहाँ पे हलीम की देख है, इसे भी चेक कर लेते हैं। दम वगैरह लगा इसको, ज़बरदस्त। सबको इंतजार है फटाफट रोजा खुल जाए और माया भी होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना शेख फैमिली वाला। आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और आज हम जाएंगे एक रोड साइड अफ्तारी पे, वहाँ पे अफ्तारी भी करेंगे, क्या माहौल है वो देखेंगे, सारी तैयारी। और ये है सदके या रसूल अल्लाह दस्तरखान की तरफ से इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, पूरा रमज़ान शरीफ अफ्तारी करवाते हैं। आज चल के देखते हैं क्या माहौल है, साथ वहाँ पर अफ्तारी भी करते हैं, तो चले मेरे साथ। यहाँ पर अभी ये तैयारी करना शुरू कर दी है मैंने, पनीर भी खा रहे हैं क्योंकि एक रोड साइड अफ्तारी है और यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ मेज़ वगैरह भी हैं। अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। तो क्या क्या तैयारी हो रही है? अभी तो फिलहाल फ्रूट काट रहे हैं आप जी, तो इसके अलावा आज क्या है इसको अफ्तारी में क्या खिलाएंगे? हलीम प्रोटीन और रोटी और हलीम, ठीक है। और साथ में खजूरे देंगे, खरबूजा, खरबूजा खजूर और वो भी है कोई शरबत वगैरह भी देते हैं। खरबूजा उसकी वो बना लिया है अभी? नहीं वो बना लिया, बना ली है। वो कहाँ पर रखा है? बना ये ड्रम के अंदर जनाब गुफ़ा बना कर रखी है। और यहाँ पे हलीम की देख है, इसे भी चेक कर लेते हैं। दम वगैरह लगा हुआ इसको, ज़बरदस्त। और साथ में रोटियाँ, रोटियाँ पकी पकाई आ गई है यहाँ लगी, ठीक है। अभी चूँकि थोड़ा टाइम रह गया और इन्होंने चक्कर भी डालना शुरू कर दिया जग के अंदर। बाबा जी कितना का शरबत होना है? कितना? 150 लीटर, 150 लीटर शरबत तैयार करते हैं ये रोज़। रूह अफ्जा तो रूह अफ्जा जी किन्नी बोतलों से लग पै जाती हैं शरबत जी? छोटियों चार से बड़ियों दो। अच्छा जी, अब हमारे साथ इस दस्तरखान के चीफ ऑर्गेनाइजर अता खान साहब हैं। अता खान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये इफ्तारी कोई सदका खराब के पैसे तो नहीं है? नहीं, लोग पैसे देते हैं अफ्तारी के लिए जी। ये पैसे कोई बंदा भी कर सकता है आगे, जबरदस्त। हाँ जी, मतलब कोई भी इसे खा सकता है। आज हम भी यहाँ पे इफ्तारी करेंगे, हर बंदा यहाँ ये दस्तरखान जब से जा रहा है तो हमारा पैगाम है जो मर्जी बंदा आके खाना खाए, मुसाफर मजदूर मुस्तक आम बंदा भी जो मर्जी है जो खाना खा सकता है, जबरदस्त। और ये हफ्ते और रमज़ान के अंदर ही है या उसके बाद भी चलता रहता है? नहीं नहीं नहीं, एक साल और 5 माह हो चले हैं दस्तरखान किसी नागे के जो जो है ना दस्तरखान। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। और आज कितने लोग तकरीबन यहाँ पे अफ्तारी होगी? मैं तकरीबन 300 बंदा रोजाना, 300 बंदे की आप अफ्तारी करवा रहे हैं। तो खान साहब बहुत शुक्रिया, आप एक नेक काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर 6:07 हो गए हैं और तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं अफ्तारी के अंदर, इसलिए उन्होंने ज़रा फूड टेस्ट कर लिया है। फटाफट चीज़ें लगा रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे आएँ और उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े, उनके लिए पहले दस्तरखान सजा और बैठें और इत्मीनान से इफ्तारी करें। अच्छा, यहाँ पे अफ्तारी करने के लिए एक मालिश वाले भाई भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। अच्छा पहले ये तो बताएं कि मालिश करने के पैसे कितने लेते हैं आप? सर फुल मसाज का लेते हैं पूरे जिस्म की मालिश का 1000 रुपया। अच्छा, तो पूरे जिस्म की घुटाई का 500 रुपये लेते हैं। घुटाई मतलब बंदा घुटना है या दबाना है? घुटना दबाना, हाँ यही काम। अच्छा उसका क्या होता है घुटाई का? हाँ घुटाई का 500 रुपया होता है, 500 का घुटाई है। ऑयल नहीं लगाना? नहीं, ऑयल लगाना जी बिल्कुल। और अगर ऑयल लगा के मसाज करा तो 1000 रुपये? हाँ वो 1000 रुपये। ज़बरदस्त ये जी इनका ये चीज़। इसको हटाओ, ये बाल बनता है। ये कहाँ से आप?
जिला भावलपुर से। जिला भावलपुर से अगर अफ्तारी के बाद जब बंदा थक जाए तो फिर मुझे कॉल कर लें और मैं आपके आगे मसाज करूंगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। अफ्तारी में तो 7-8 मिनट रह गए हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं, खुश हो गए हैं, सबको इंतज़ार है कि फटाफट रोज़ा खुल जाए और खाया भी होता है। रोज़ा अफ्तार हो गया, रोज़ा अफ्तार कर लिया मैंने। शुक्र अल्लाह का रोज़ा खुल गया, क्योंकि अब आखिरी दिन जो हैं वो बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, 2-3 रोज़े रह गए हैं वो भी गुजर जाएंगे। माशाल्लाह तमाम अफराद रफ्तार कर रहे हैं। रोड के दोनों साइडों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं भी एक गिलास रूह अफ़ज़ा पी लूँ। मेरी अफ़्तारी हो गई है, अब हलीम डाल रहे हैं, हलीम पे डाल रहे हैं, तौल पर करके रख रहे हैं और उसके बाद फिर इसे सर्व किया जाएगा, टेस्ट करेंगे और वहाँ पर रुकने रखी जा रही है। ख्याल है पुछना सत्तर रुपये को पर्ची लेंदे ने, कोई पुछ परचीज नहीं है। दोस्तों बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठ के इफ्तारी करने का, और आज की जो डिश उन्होंने बनाई हुई थी वो हलीम और रोटी है, और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे घरों पे बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जान छुड़ा दी है, कोई दस्तरखान लगा हुआ है तो उसमें कोई क्वालिटी कम कर दी है, ऐसा नहीं है। अच्छा टेस्ट है, इसे अच्छी तरीके से खाया जा सकता है। एक रोटी मैंने खा ली है और बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे जो ये काम कर रहे हैं, और इजाज़त दे अपने शेख फैमिली वाले को, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मगरब की जान हो गई है, चल के नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन लोगों को ऐसे ही मज़ीद काम करने की तौफीक अता फरमाए, और ये रमज़ान के बाद भी ये दस्तरखान जारी सारी रहे। अल्लाह हाफिज़।